नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक अली, आप देख रहे हैं जी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। नादरीन, आज हम आपको गुलाब के फूलों का यहाँ पे खेत है वो घुमाने आए हैं, यहाँ पे व्लॉग बनाने आए हैं। इंशाल्लाह आज आपको हमारा व्लॉग ये पसंद आएगा। मेरे बैकग्राउंड में आप देखते होंगे ये फूलों की फसल है, काश्त की हुई है यहाँ पर। फूलों की फूल जो है हर किसी सौगात तो शादी हो गमी हो उसमें हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। कोई बर्थडे का प्रोग्राम हो, सालगिरह का, मंगनी का, निकाह का, हर किसी चीज़ में फूल इस्तेमाल होते हैं। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि ये फूल कहाँ से आते हैं, कैसे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये फूल काश्त होती है ज़मीनों पे, यहाँ पे खेतों पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गुलाब का फूल, माशाल्लाह बहुत अच्छे फूल है। यहाँ पर डेली के हिसाब से जो फूल है मुलाहद के, यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं जिनकी, वो तोड़ के किसान लोग यहाँ से तोड़ के वो यानी कि शहर में बेचते हैं, जाके शादी ब्याह में और फोतगी में भी फूल इस्तेमाल होते हैं, कब्रिस्तान में भी फूल इस्तेमाल होते हैं। मैं सिर्फ आपको फूल दिखाऊंगा, मैं फूल तोड़ता नहीं हूँ, इसका मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ। फूल को देखने की देखने के हिसाब से यहाँ पर खूबसूरत लग रहे हैं, ये किसी शादी ब्याह में वहाँ पर जो इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर बहुत खूबसूरत यानी कि होते हैं ये। आज यहाँ आने का मकसद यही है कि मैं आपको दिखा सकूं कि फूलों की फसल कैसे काश्त होती है और किस तरह से होती है, और ये यानी कि इनका कौन सा फ़ायदा होता है, यानी कि कैसे ये काश्त की जाती है। तो भाई बात ये है कि यहाँ पे तकरीबन ये छोटा सा टुकड़ा है, तकरीबन मैंने मेरी इनसे बात हुई है, वो स्क्रीन पर नहीं आना चाहते खुद, तो उनका यही कहना है कि हम लोग डेली की बुनियाद पे 500 के 800 के 1000 के फूल यहाँ से बेचते हैं डेली की बुनियाद पे, खुद ही तोड़ते हैं, किसान खुद ही तोड़ते हैं, उनका कोई मुलाजिम वगैरह नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी काश्त नहीं होती इनकी। छोटे पैमाने पे तकरीबन आधा एकड़ भी मैं नहीं कहूँगा, इतना होगा, बहुत कम होगा ये। तो माशाल्लाह इसकी जो फसल है वो बड़े पैमाने पर नहीं है, फिर भी यानी कि डेली ये तकरीबन सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा चलते हैं, सर्दियों के मौसम तक ये इसे छोटे से टुकड़े से, मेरे आपको मैं क्लोथ करके दिखाता हूँ बाद में, छोटे से टुकड़े से ये लोग हज़ारों रुपया कमाते हैं, ये छोटे से टुकड़ों से टुकड़े से हज़ारों रुपया ये कमाते हैं, इनके घर का गुजर सफ़र ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे अमरूद के बागात भी हैं, तो इनके साथ साथ ही ये फूलों का छोटा टुकड़ा रख दिया है ताकि शादी ब्याह में और पे शहर में वो बेचते हैं जाके, अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। ये डेली की बुनियाद पे फूल उगते हैं यहाँ पे, डेली की बुनियाद पे छोटे छोटे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए अभी ये फूल निकला हुआ है, उसी के साथ ये अभी हो रहा है, दो तीन दिन में ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये छोटे छोटे अब ये देख रहे हैं ये बंदे फूल, तो फिर ये तैयार हो जाएगा यहाँ से, फिर नीचे से तैयार हो जाएगा, ऊपर से तैयार, खुदा की कुदरत ने बहुत बड़ा करिश्मा यानी किया है। ये आज तोड़ेंगे फिर यानी कल दूसरा निकल आएगा, तीसरा निकल आएगा। तो यही बात है, आपको मैं क्लोज क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये बहुत प्यारे फूल हैं, सफ़ेद वाला गुलाब भी होता है मगर यहाँ पे हमारे इलाके में ये नहीं होता। दूसरी मैं बात बताऊँ, ये हमारा लाड़काना के करीब नोंदेरों का इलाका है, वहाँ पे ये बागात है इसके फूल के, तो यहाँ पे बड़ी पैमाने पे ये काम चलता है गुलाब के फूलों का। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे फूल हैं, प्यारी किस्म है इनकी, और अल्लाह ताला ने ये पता नहीं किसने तोड़ के फेंका है नीचे, ये देखिए कितना प्यारा फूल है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है, देखिए आप,
नाज़रीन इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरा मेरी और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। इंशाल्लाह दूसरे किसी ब्लॉग में आपके साथ मिले।